तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज हम करने वाले हैं तीन फ्लैगशिप प्रोसेसर्स को कंपेयर। एंड यहाँ पर हमारे पास है 8+ Gen 1 जो कि 90 के अंदर मिलता है। एंड मैंने 8+ Gen 1 को ना काफी फोनों के अंदर टेस्ट करा है, बट इसके अंदर फुल पावर के साथ परफॉर्म करता है एंड वेल ऑप्टिमाइज है, तो इस वजह से हमने ये फोन रखा है। बाकी इसके बाद डायमेंसिटी 9000 के साथ है हमारे पास Vivo X80, एंड दोनों ही भाई भाई कंपनी है तो ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पर बात नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट है A15 Bionic जो कि एप्पल के सिवाय और कोई कंपनी देती नहीं है, तो ये हमें लेना पड़ा। बाकी ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। अब तीनों ही प्रोसेसर का कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे हम ऑन पेपर से, क्योंकि कमेंट्स में कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं भाई तूने इस प्रोसेसर की स्पेक्स नहीं देखी क्या, तो पहले उनको स्पेक्स बता देते हैं। तो यहां पे डायमेंसिटी 9000 की जो ऑन पेपर क्लॉक स्पीड है ये सबसे कम है 3.05 GHz की। बाकी A15 Bionic की एंड 8+ Gen 1 की 3.2 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है, तो वो दोनों सेम है। बट यहां पर जो मेन डिफरेंस आता है वो कोर्स में है। डायमेंसिटी और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ऑक्टा कोर है एंड A15 Bionic का हेक्साकोर प्रोसेसर। तो यहां पर आपको लग रहा होगा भाई हेक्साकोर हार जाएगा, तो इसकी हम आगे बात करेंगे। बट यहां पर उससे पहले GPU की बात कर लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर GPU देखो ना, तो सबसे ज्यादा सुपीरियर लगता है क्लॉक स्पीड के मामले में एप्पल का, और सबसे ज्यादा कमजोर लगता है डायमेंसिटी 9000 का। तो इसको तो टेस्ट करना बनता है, तो हमने सबसे पहले अपने परंपरा के हिसाब से N22 रन कराया। तीनों में से बैकग्राउंड ऐप रिमूव करके फुल ब्राइटनेस पर लगाया, तीनों का जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग में वो ऑलमोस्ट सेम था, 32 डिग्री सेल्सियस के पास थे। एंड जैसे हमने तीनों में स्टार्ट करा, तो प्रोसेसिंग यहां पर भाई जो एप्पल है उसमें सबसे पीछे चल रही थी, और डायमेंसिटी स्नैपड्रैगन के अंदर ऑलमोस्ट बराबर ही चल रही थी। एंड मैं काफी ज्यादा शॉक हुआ इस चीज को देखकर, क्योंकि काफी लोग ना मीडियाटेक के प्रोसेसर पर बिलीव नहीं करते, इवन मैं भी नहीं करता था। बाकी थोड़े टाइम के बाद ही एप्पल ने अपनी ब्राइटनेस इतिहास की तरह फिर से ड्रॉप कर ली, क्योंकि ये बहुत पहले से करता आ रहा है। एंड 14% पर ही एप्पल ने मेजर ब्राइटनेस ड्रॉप करी थी, वहीं पर डायमेंसिटी एंड स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ने बिल्कुल भी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करी। एंड यहां पर जब मैंने ग्राफिक्स रेंडरिंग देखी ना भाई स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के प्रोसेसर में, तो मीडियाटेक के प्रोसेसर की ग्राफिक रेंडरिंग कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसका जो जीपीयू था एक्चुअल में वर्क करता वो ज्यादा अच्छा लग रहा था, यहां पर स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल थी। बाकी यहां पर धीरे धीरे जो प्रोसेसिंग थी स्नैपड्रैगन की 30-40 सेकंड आगे चली गई एंड मीडियाटेक की थोड़ी सी पीछे हो गई। एंड स्कोर भी यहां पर स्नैपड्रैगन में पहले देखने के लिए मिला, एंड भाई 1 मिलियन टच कर दिया था इसने आसानी से, उससे ज्यादा ही था स्कोर। उसके बाद आया मीडियाटेक 9000 का स्कोर, एंड इसका भी बिल्कुल टक्कर दे रहा था स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 को। बाकी सबसे एंड में हमारा एप्पल का स्कोर आया, इसका स्कोर काफी कम था। एंड यहां पर हम एप्पल के स्कोर को कभी भी कंपेयर नहीं करते, बट प्रोसेसिंग को करते हैं। एंड प्रोसेसिंग में पहली टेस्ट में एप्पल काफी पीछे था। बाकी यहां पर अगर टेम्परेचर की बताऊं तो भाई टेम्परेचर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 का सबसे ज्यादा था बाकी दो प्रोसेसर के कंपैरिजन में। तो ये चीज हमने पहले टेस्ट में ऑब्जर्व करी, एंड दूसरा टेस्ट भी फिर हमने दोबारा रन कराया बैक टू बैक, कोई भी हमने ठंडे होने का मौका नहीं दिया फोनों को। और इस बार भी N22 में सेम रिजल्ट्स मिले। एप्पल ने स्टार्टिंग में ना ब्राइटनेस काफी अच्छे से रिकवर करी, लेकिन 14% पर जाकर फिर से इसने ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली। वहीं पर जो मीडियाटेक एंड स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म कर रहा था। इवन इस बार तो एप्पल भी काफी हद तक कंपेयर करा जा सकता था दोनों प्रोसेसर से। एंड एंड होते होते फिर से स्नैपड्रैगन की जो प्रोसेसिंग थी वो जल्दी कंप्लीट हो गई, फिर मीडियाटेक की, एंड आफ्टर दैट भाई एप्पल की हुई। एंड स्कोर में बिल्कुल सेम रिजल्ट्स देखने के लिए मिले जैसे कि पहले वाले टेस्ट के अंदर थे। बट कमाल की बात यह है जैसे कि मीडियाटेक के प्रोसेसर एंड स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पहले स्कोर ड्रॉप करते थे, इस बार नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को स्कोर में काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हीट कंट्रोल की बात करी जाए तो सबसे कमाल का हीट कंट्रोल था एप्पल का, इसने बिल्कुल भी टेम्परेचर राइज नहीं किया था। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है क्योंकि इसने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। और वहीं पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा भाई मीडियाटेक का प्रोसेसर का, सेकंड टेस्ट के अंदर 51 डिग्री सेल्सियस तक ये उबल गया था एंड अच्छे से मेंटेन करके रखा है भाई। इस बार स्नैपड्रैगन ने स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का जो टेम्परेचर था पहले टेस्ट के कंपेरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे 8 Gen के साथ था या 888 के साथ था वैसा रिजल्ट नहीं मिला। यहां पर काफी अच्छे से हीट कंट्रोल कर रहा है ये वाला प्रोसेसर। अब हो सकता है IQ की भी ऑप्टिमाइजेशन हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे फोनों के अंदर टेस्ट करा है, IQ के फोन थोड़े कम ही हीट होते हैं दूसरे फोन के कंपैरिजन में। एंड ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी। और N22 की पूरी प्रोसेसिंग के अंदर मैंने एक चीज तो जानी, भले ही ऑन पेपर भाई GPU मीडियाटेक डायमेंसिटी का सबसे कमजोर है, लेकिन यहां पर जब मैंने टेस्ट रन कराया था तो इसकी जो परफॉर्मेंस थी मतलब ग्राफिक्स रेंडरिंग की वो ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली बाकी दोनों प्रोसेसर के कंपैरिजन में। और इस चीज को और भी ज्यादा पक्का करने के लिए हमने तीनों के अंदर भाई GPU टेस्ट रन कराया, वो भी 20 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट। एंड यहां पर जैसे हमने ऑन करा मैं शॉक हो गया था लिटरली डायमेंसिटी 9000 की स्मूथनेस देख के। यहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्राफिक्स रेंडरिंग मिली, और मैंने पहला फोन देखा जिसने एप्पल की ग्राफिक्स को बीट कर दिया एक्चुअल में। बाकी यहां पर 20 मिनट के रिजल्ट के बाद हमें स्कोर जो देखने के लिए मिला, सबसे पहले जो इसका टेम्परेचर था वो 51 डिग्री सेल्सियस चला गया। A15 Bionic एंड 8+ Gen 1 का टेम्परेचर इतना नहीं जाता, तो यहां पर हीट कंट्रोल करने की जरूर आवश्यकता है इसको। बट यहां पर अगर मैं ऑन पेपर FPS की बात करूं तो जितना एप्पल का और स्नैपड्रैगन के मैक्सिमम FPS भी नहीं गए थे, उससे ज्यादा भाई डायमेंसिटी
9000 के मिनिमम FPS थे। तो इस चीज को देखकर मैं लिटरली शॉक हो गया हूं। और ये चीज मेरे लिए भी शॉकिंग है क्योंकि ऑन पेपर सबसे कमजोर GPU था, लेकिन भाई जब हमने रियलिटी में टेस्ट करा तो भैया ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल खेल रहा है। अब ग्राफिक्स में Dimensity 9000 बेटर आया, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमने तीनों में गेमिंग करी है। एंड यहाँ पर गेमिंग में हमने ये चीज जानी कि जो कंसिस्टेंसी है वो तीनों ही प्रोसेसर की काफी कमाल की, आप लॉन्ग टाइम गेमिंग कर सकते तीनों ही फोन के अंदर। बट यहाँ पर A15 Bionic के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये फोन ना काफी जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है। वहीं पे Dimensity 9000 भाई अगर आप एक घंटे से ऊपर गेमिंग करते हो तो अच्छा खासा हीट हो जाता है। एंड अगर 8 प्लस Gen 1 की बात करूं तो ये इन दोनों के बीच का प्रोसेसर है। अगर जो गेम प्ले प्रोसेसर पर ही डिपेंड नहीं करता है, ये कंपनी पर भी डिपेंड करता है कि ब्रांड ने किस तरीके से किस गेम के लिए ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करके दिया आपको प्रोसेसर। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, जब Dimensity 9000 इस फोन के अंदर आया था और BGMI था क्योंकि अब तक जा चुका है ना, तो इसके अंदर 90 FPS का ऑप्शन मिलता था एंड जो गेम प्ले था काफी ज्यादा कंसिस्टेंट था, अभी भी है हालांकि। बट यहां पर अगर मैं अब का गेम देखूं PUBG का न्यू स्टेट, तो यहां पर देखा जाए तो इसकी जो सेटिंग्स है वो इन तीनों फोन में सबसे कमजोर मिलती है। तो ये ब्रांड टू ब्रांड भी डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड किस गेम को ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है अपने फोन के लिए। तो ऑप्टिमाइजेशन भी मैटर करती है, ऑन पेपर स्कोर ही मैटर नहीं करते। और हमारी टेस्टिंग बिना वीडियो रेंडरिंग के खत्म नहीं होती है क्योंकि हम वीडियो क्रिएटर है, हम भी वीडियो एडिट करते हैं। तो हमने तीनों के अंदर ना फुल HD फाइल डाली कैमरे की एंड यहाँ पर सेम ही फाइल्स थी और सेम एक्सपोर्ट सेटिंग रख के हमने देखा। जो एप्पल है हर बार की तरह ज्यादा जल्दी एक्सपोर्ट कर देता है फाइल आधे टाइम में, उसके बाद 8 प्लस Gen 1 निकल कर आया एंड सबसे पीछे था Dimensity 9000 प्रोसेसर। तो जितनी हमारी हिस्ट्री पीछे से आ रही है, मतलब हमने देखा है कि एप्पल की जो वीडियो रेंडरिंग स्पीड है वो कमाल की होती है, तो वो हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। बाकी हमने जितना भी इन तीनों फोन के प्रोसेसर को टेस्ट किया है, हमने बस यही जाना कि तीनों ही प्रोसेसर काफी कमाल के एंड 8 प्लस Gen 1 में से इस बार एक्चुअल में हीटिंग इश्यूज निकाल दिए हैं। अब हो सकता है भाई आईकू का जादू हो, बट जितना भी हमने देखा कि इसके अंदर हीटिंग इश्यूज नहीं है। वहीं पर अगर कोई कंपनी लॉन्च कर देती है एक फोन विद Dimensity 9000 और उसे बोलती है कि हमने गेमिंग फोन निकाला और अच्छे से ऑप्टिमाइज करके देती है, तो हाँ भाई उसे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटीज है ना वो नेक्स्ट लेवल है। मैंने जितना भी टेस्ट करा भाई 8 प्लस Gen 1 को सीधी टक्कर दे रहा है, 19-20 का ही फर्क बोलूंगा। बस इसके अंदर से थोड़े से हीटिंग इश्यूज निकल जाए ना तो मजा आ जाएगा। बाकी A15 Bionic थोड़ा सा पीछे हो गया है क्योंकि A16 Bionic आने वाला है ना। तो तीनों ही प्रोसेसर अच्छे हैं, बाकी डिपेंड करता है किस प्राइस पॉइंट पर मिल रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस, बाकी आप मुझे बताना आपको कौन सा प्रोसेसर अच्छा लगा। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस, वो करें टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस। बाय।